How are you all? Fine. Okay, and enjoying your studies and getting out of marks. Congratulations and celebrations and have a celebration. Okay. So, today I am going to teach you English Bal Bharati for Standard 8. So, let's see what I am going to teach you. It's a lesson number 2.2. Nature created men and women as equal. तो नेचर यानी कुदरत, कुदरत ने इंसान मैन यानी आदमी, वुमेन यानी औरत दोनों को एक जैसा ही बनाया हुआ है. ओके, तो वार्मिंग अप में ये जो भी इन लोगों ने हम लोग को सवाल पूछे हुए है उसके जवाब में आप लोग को जब इसके क्वेश्चन एंड आंसर दूंगी तभी मैं देती हूँ. तो सबसे पहले हम लोग सीख लेते हैं ये लेसन. So, today I am going to teach you, nature created men and women as equals. भगवान ने जब दुनिया बनाई थी, कुदरत में औरत और आदमी उन लोगों को एक समान ही बनाया हुआ था. The house and its surrounding are a sight of peace in the early morning of April. एक घर था, उसके surrounding में एक बहुत ही शांति दिखाई दे रही थी और एक पीस दिखाई दे रही थी और अर्ली मॉर्निंग था, अप्रैल का महीना था और अर्ली मॉर्निंग का समय था. इट नेसल्स बाय द साइड ऑफ अ स्मॉल स्ट्रीम ऑफ क्रिस्टल क्लियर वाटर. अभी नेस्टल का मीनिंग देखो यहाँ पर दिया हुआ है, इज क्लोज टू यानी घर के नज़दीक ही एक नदी या तालाब ऐसे धारा उसकी बह रही थी घर के सामने से, एक छोटी सी नदी की धारा बह रही थी. तो जो उसमें का पानी जो था ना, पानी क्रिस्टल क्लियर वाटर था. अभी क्रिस्टल क्लियर पानी किसे कहते हैं पता है तुम लोग को? जो पानी में से अंदर तक का पूरा आर पार दिखाई देता है, जैसे आईने में से हम लोग को पूरा क्लियरली दिखाई देता है, उसी तरह से उसके अंदर का पूरा आर पार दिखाई दे रहा था. इसके लिए एकदम साफ सुथरे पानी को बोलते हैं क्रिस्टल क्लियर वाटर. द स्ट्रीम टम्बल्स डाउन द ग्रीन माउंटेन ओनली 2 miles और सो अवे. अभी ये जो धारा थी वो नीचे की ओर बहते हुए आ रही थी और हरियाली में से, माउंटेन में से, और वो तकरीबन 2 miles या फिर उससे भी थोड़ा आगे वो बह रही थी. देर इज अ स्ट्रेच ऑफ हंड्रेड्स ऑफ एकर्स ऑफ फर्टाइल लैंड रोलिंग विथ येलो मस्टर्ड फ्लावर्स. और वहाँ पर एक फर्टाइल लैंड भी दिखाई दे रहा था जिसमें कुछ येलो कलर के मस्टर्ड फ्लावर्स यानी राई के जो फूल थे ना, सरसों के फूल कहते हैं ना, खेतों में लहरा रहे थे येलो कलर के सरसों के फूल, तो वहाँ पर लहरा रहे थे. बिटवीन द माउंटेन रेंज एंड द हाउस, किसके बीच में ये माउंटेन की जो श्रृंखला थी वो और घर, उनके बीचों बीच ये जो फूल थे येलो कलर के वो लहरा रहे थे. अ गार्डन इज इन फ्रंट ऑफ द हाउस, और घर के सामने एक गार्डन था. आहा हा, क्या घर है भाई, ये तो सपनों का घर है. हर कोई इसे ऐसे ही घर, क्या घर का सपना देखता है ना. ट्रीज ऑफ मेनी काइंड्स बेयरिंग फ्लावर्स ऑफ वेरियस ह्यूज एंड फ्रूट्स ग्रो ऑन ऑल साइड्स ऑफ द हाउस. बस इसी की कमी थी, और घर के आजू बाजू में हर तरह के ट्रीज लगे हुए थे, हर तरह के फ्लावर्स थे, कलरफुल फ्लावर्स थे, ह्यूज यानी कलरफुल, कलर कलर के फूल, एंड फ्रूट्स भी थे जो बढ़ रहे थे पेड़ों के ऊपर और घर के चारों ओर ये फैले हुए थे. कैन यू इमेजिन कितना ब्यूटीफुल होगा वो नज़ारा. द कोर्टयार्ड स्मेल्स ऑफ जैस्मीन विच ब्लूम्स इन बंचेस ऑफ वाइट पर्ल्स. बस इसी की कमी थी. अभी जो उनका आंगन था, वो आंगन जो था वो जैस्मीन के फूलों की खुशबू से पूरा भर गया था, और जो फूल थे ना वो कैसे दिखाई दे रहे थे, मोतियों के जैसे दिखाई दे रहे थे. ब्यूटीफुल.
The fragrance mingles with the thin smoke that rises from sweet-smelling incense sticks. और ये जो खुशबू थी उस खुशबू में और एक खुशबू मिक्स हो गई थी, वो जो धुआं था ना अगरबत्ती लगाया हुआ था, तो वहाँ पर तुलसी का होगा, ऐसे जैसे हम लोग कैसे घर के सामने तुलसी का वृंदावन होता है, उसी तरह से हम लोग कैसे कोई जगह होती है वहाँ पर अगरबत्ती वगैरह लगाते हैं खुशबू के लिए, तो वहाँ पर एक अगरबत्ती जो थी इंसेंस भी जल रही थी। द बर्निंग इंसेंस स्टिक आर ग्लोइंग एट द अल्टर ऑफ गॉड इन द मिडल ऑफ द कोर्ट यार्ड। तो ये जो अगरबत्ती जहाँ पर लगाई गई थी, तो वो इसका मतलब ऐसा था ना कि वहाँ पर जो उनका आंगन था वहाँ पर एक भगवान के लिए जगह बनाई गई थी। अशंग बी इज इन हर रीडिंग रूम एंड इज बिजी राइटिंग एन आर्टिकल। अभी जो अशंग बी है, ये नाम है, तो वो क्या कर रही है, उसकी जो रीडिंग रूम है जहाँ पर वो रीड करती है बैठकर, तो वहाँ पर वो बिजी राइटिंग एन आर्टिकल। तो क्या लिख रही थी, वो आर्टिकल लिख रही थी, एक लेख लिख रही थी। शी इज अ मिडल एजेड मदर ऑफ थ्री चिल्ड्रन। वो कौन थी, अशंग बी जो थी वो एक मिडल एज लेडी थी, यानी जो एकदम बूढ़ी भी नहीं थी और ना एकदम जवान भी नहीं कह सकते उसको, और वो कितने बच्चों की माँ थी, तीन बच्चों की माँ थी। एंड अ जर्नलिस्ट, और क्या थी, जर्नलिस्ट थी, पत्रकार थी। एंड वुमेन्स राइट्स एक्टिविस्ट, और वुमेन्स के लिए फाइट करने वाली एक्टिविस्ट भी थी। अगर कहीं किसी के ऊपर ज्यादती होती है, किसी के ऊपर किसी को टॉर्चर किया जाता है, तो उसके खिलाफ वो ये करती थी, उसमें वो मेंबर थी उसमें की। लेंथोई हर यंगेस्ट डॉटर, अभी लेंथोई जो है वो उनकी सबसे छोटी डॉटर थी। एंटर्स द रूम, तो वो उसकी मम्मी के रीडिंग रूम में आई। शी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, वो एक बहुत ही होशियार लड़की थी। टुडे शी लुक्स थॉटफुल एंड शी टेक्स अ सीट बाय हर मदर साइड। आज वो ऐसे लग रहा था कि बहुत कुछ सोच रही है, और फिर वो जाकर उसके मम्मी के बाजू में बैठ गई। एट द साइट ऑफ हर चाइल्ड अशंग बी लविंगली आस्क, अभी जैसे ही उनकी नज़र पड़ी उनकी बेटी के ऊपर, तो उन्होंने उनसे प्यार से पूछा भी, मम्मी बच्चों से किसे प्यार से पूछते हैं ना, Have you finished your study, my dear? Dear, आपकी स्टडी पूरी हो गई? आपकी मम्मी कैसे बोलती है जरा बताना, तो एकदम ईमानदारी से, पढ़ाई क्या क्या नहीं तुमने, अभी तक पढ़ाई नहीं हुई तुम्हारी, बैठो पढ़ो, है ना, सच्चे बोलना मेरे को। ओके, तो उन्होंने इस तरह से पूछा। कैन यू इमेजिन, अगर आपकी मम्मी आप लोगों से ऐसे बात करेगी तो कैसा लगेगा आप लोगों को, बताना है मुझे कमेंट बॉक्स में। लेकिन तुम भी तो उतना परेशान करते हो ना बेचारी मम्मी को, तो वो भी क्या करेगी। हाँ, इसीलिए मैं तुम लोग का साइड नहीं ले रही हूँ मैं बिल्कुल भी। यस मदर, आई फिनिश्ड इट लास्ट नाइट, मैंने कल रात को ही मेरी सारी पढ़ाई जो थी वो खत्म कर ली थी। टुडे बीइंग संडे, और आज तो संडे है, आई वॉन्ट टू डू समथिंग इंटरेस्टिंग, और आज मैं कुछ इंटरेस्टिंग करना चाहती हूँ। लेंथोई सेज एंड वेट्स फॉर हर मदर्स रिस्पॉन्स, अभी संतोई ने अपनी बात तो कह दी, लेकिन अभी वो वेट करने लगी कि मेरी मम्मी मुझे कुछ तो इस बात का जवाब देगी, तो वो वेट करने लगी। टेल मी व्हाट यू वांट टू डू, तो मम्मी ने बोला, बताओ भाई तुम क्या करना चाहती हो। अशंग बी आस्क्ड हर क्वाइट अम्यूज्ड, और माँ ने उसको पूछा कि भाई तुम क्या करना चाहती हो। मदर, टुमारो आई एम गोइंग टू रिप्रेजेंट द साइरोय लिली हाउस एज अ स्पीकर इन अ सिंपोजियम एट आवर स्कूल। अभी दूसरे दिन, टुमारो यानी मंडे के दिन, उस दिन संडे था ना,
तो मंडे के दिन उसके स्कूल में कुछ तो भी सिरोई लिली हाउस एज अ स्पीकर का कुछ कंपटीशन था, सिंपोजियम एट अवर स्कूल। तो सिंपोजियम का मतलब इन लोगों ने यहाँ पर दिया है अ मीटिंग एट विच एक्सपर्ट्स हैव डिस्कशन ऑन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। तो उन लोगों को एक सब्जेक्ट देंगे वो लोग, और उस सब्जेक्ट के ऊपर जैसे हम लोग कैसे वो डिबेट कंपटीशन करते हैं ना, उस टाइप का ही कुछ वो ऐसे कंपटीशन उसके स्कूल में था। द टॉपिक इज गॉड क्रिएटेड मैन एंड वुमेन एज इक्वल्स। तो उन लोगों का जो टॉपिक था ना डिस्कशन का, वो क्या था? गॉड क्रिएटेड मैन एंड वुमेन एज इक्वल, विल यू स्पेयर सम टाइम टू हैव अ डिस्कशन विद मी। क्या तुम थोड़ा समय मुझे इस बात के ऊपर डिस्कशन करने के लिए दे सकती हो? लंथोई प्रेसेस ऑन हर मदर। और इस तरह से लंथोई जो थी उसने अपनी माँ से पूछा कि तुम कुछ समय मुझे दे सकती हो क्या। देखो कितने डिसेंटली बात किया उसने। लंथोई हैज जस्ट हैड अ डिस्कशन विथ हर फादर ऑन द टॉपिक। अभी जो लंथोई थी ना उसने इसके बारे में उसके पिताजी से भी डिस्कशन किया हुआ था। तोम्बा हर फादर इज अ हस्बैंड सपोर्टिव ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ हिज वाइफ एंड अ लविंग फादर। अभी तोम्बा जो थे वो किसके हस्बैंड थे? अशांगबी के हस्बैंड थे, और लंथोई के पापा जो थे वो एक बहुत ही सपोर्टिव हस्बैंड थे, और घर के काम में भी अपनी बीबी को बहुत सपोर्ट भी करते थे, और एक अच्छे पिता भी थे। ही इज अ लॉयर। कौन थे वो? एक वकील थे, एंड अ सोशल वर्कर, और एक समाज सेवक भी थे। तो उन्हें क्या बोलते हैं? सोशल वर्कर कहते हैं। वो एडवोकेट द कॉज ऑफ वुमेन। तो वो क्या किसके ऊपर फाइट करते थे? औरतों के जो भी केसेस होते थे उसके ऊपर वो फाइट करते थे। ही इज ऑलवेज प्राउड ऑफ हीज वाइफ। उन्हें हमेशा उनकी बीवी पर गर्व होता था, नाज होता था, जैसे हर हस्बैंड को होता ही है अपनी बीवी के ऊपर नाज। द टू डॉटर्स एंड द सन। अभी उनको दो बेटियां थी और एक था। इन टाइम्स ऑफ नीड ही एक्सटेंड्स हिज हेल्पिंग हैंड टू हिज वाइफ। जब भी उन्हें जरूरत पड़ती थी तभी वो उनकी बीवी की मदद करते थे। इन टाइम्स ऑफ नीड ही एक्सटेंड्स हिज हेल्पिंग हैंड टू हिज वाइफ। तो बहुत ज़्यादा काम होता था वो तो उन्हें वो पूरी मदद करते थे। एंड चिल्ड्रन एंड टू द सोसाइटी एट लार्ज। और बच्चों के ऊपर भी ध्यान देते थे, और एक सोसाइटी में भी उनका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता था। ही डज नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन अ मैंस वर्क एंड अ वुमेन्स वर्क एनी वेयर। और कहाँ पर भी काम करना होता था तो उन्होंने कभी ऐसे नहीं बोला, अरे ये तो भाई औरतों का काम है, हम लोग क्यों करें भाई, मर्द लोग क्यों करें, अरे खाना तो औरतें ही पकाएंगी, मर्द लोग क्यों पकाएंगे, कपड़ा तो औरतें ही धोएगी, मर्द लोग क्यों धोएंगे, वो औरतों का काम है, मर्दों का काम नहीं है। बर्तन, हम लोग मांजेंगे बर्तन, क्या चूड़ियाँ पहन के बैठे हैं क्या हम लोग नहीं मांजेंगे, हम लोग ये औरतों का काम है। तो ये पहले के ज़माने में ऐसे होता था, लेकिन आजकल के ज़माने में औरतें भी काम पर जाती है, औरतें भी मेहनत करती है, आदमी भी जाते हैं काम पर, आदमी भी मेहनत करते हैं। तो हम लोगों को अगर आदमी और औरत दोनों अगर मिलजुल कर एक जैसा काम करते हैं, तू ये काम कर, मैं ये काम करता हूँ, तू ये काम कर, और ऐसा हो रहा है आजकल, और लेकिन पहले के ज़माने में ऐसे नहीं होता था। तो इसका एडवांटेज भी नहीं उठाना चाहिए किसी को भी, ठीक है? तो इस तरह से होता था। ही शेयर्स इक्वली विथ हिज वाइफ इन डूइंग द हाउस होल्ड कोर्स लाइक क्लीनिंग। अभी
घर का हर एक काम करने में वो उनकी बीवी की मदद करते थे, जैसे क्लीनिंग यानी साफ सफाई करना, वॉशिंग यानी कपड़े धोना, बर्तन मानना, कुकिंग यानी खाना बनाना एंड फीडिंग द चिल्ड्रन, और बच्चों को खाना भी खिलाना। हैड ही नॉट शेयर्ड इन दीज एक्टिविटीज इन द वे ही डज, हिज वाइफ वुड नॉट हैव बीन अ सक्सेसफुल प्रोफेशनल। अगर वो उनकी बीवी को इन सब काम में हेल्प नहीं करते तो शायद उनकी बीवी इतना सक्सेसफुल वुमेन नहीं हो पाती थी, ना वो इतनी प्रोफेशनल एक सक्सेसफुल लेडी बन पाती थी। तो इसका जो क्रेडिट है, उनके सक्सेस के पीछे का क्रेडिट जो है, वो उनके हस्बैंड को जाता है, क्योंकि उन्होंने उन्हें बहुत हेल्प किया हर काम में। ही वोल हार्टेडली बिलीव्स इन इक्वालिटी इररिस्पेक्टिव ऑफ क्लास, रिलीजियन एंड जेंडर। और वो जो थे वो हर तरीके से इक्वालिटी, पूरे मन से इक्वालिटी में ही बिलीव करते थे। तो चाहे वो क्लास में इक्वालिटी क्यों ना हो, रिलीजियन में इक्वालिटी क्यों ना हो, और जेंडर में ही ये औरत है ये मर्द है, ऐसे वो कभी नहीं करते थे। इन हीज डिस्कशन विथ हीज डॉटर ही लेमेंट्स ओवर द ग्रेट इनजस्टिस डन ऑन वुमेन इन द सोसाइटी, टेलिंग हर, माई डियर चाइल्ड, द वर्ल्ड इज स्टिल फुल ऑफ इन इक्वालिटीज। तो उन्होंने जब वो उनकी बेटी के साथ इस बात के ऊपर डिस्कस कर रहे थे, तभी उन्होंने उनकी बेटी को बताया, आज भी सोसाइटी में ये जो इन इक्वालिटी है ना, अरे वो औरतें हैं उनको यही काम शोभा देती है, अरे हम मर्द हैं हम लोगों को ये काम बिल्कुल शोभा नहीं देता, तो आज भी कई जगहों में इस तरह की इन इक्वालिटी हम लोगों को दिखाई देती है। वी हैव टू फाइंड अ वे टू ब्रिंग इक्वालिटी बिटवीन मैन एंड वुमेन। तो हम लोगों को ऐसा कुछ रास्ता निकालना चाहिए तो जिससे औरत और मर्द दोनों में भी इक्वालिटी जो है वो बरकरार रहना चाहिए। हर फादर्स वर्ड आर स्टिल रिंगिंग इन हर ईयर्स ऑफ लैंथोई। अभी उसके पिताजी ने उसको जो जो भी बातें बताई हुई थी, वो बातें अभी तक लैंथोई के कानों में गूंज रही थी। And she tells her mother of what her father has told her. और उसने उसकी माँ से भी कहा कि उसके पिताजी ने इस टॉपिक के ऊपर उससे क्या क्या कहा था। Appreciative of her husband for his views, Ashangbi says, अभी उनके जो हस्बैंड की जो व्यूज थे, विचार थे, उसको अप्रिशिएट करते हुए अशंग बी ने कहा, योर फादर इज राइट, तुम्हारे पापा जो भी कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। इन नो सोसाइटी डू वुमेन एंजॉय द सेम अपॉर्चुनिटीज एंजॉयड बाय मैन। आज भी ऐसी कुछ सोसाइटीज है जहाँ पर औरतें उनकी आज़ादी जो है वो एंजॉय नहीं कर पाती है, जबकि आदमी लोग जो होते हैं, मैन जो होते हैं, वो लोग अपना फ्रीडम पूरी तरह से एंजॉय करते हैं। इट इज बिकॉज ऑफ यूर फादर दैट आई फील नो डिफरेंस और इन इक्वालिटी एट होम। ये तुम्हारे पिताजी है जिनकी वजह से हमारे घर में हम लोगों को कोई भी डिफरेंस या फिर कोई भी इन इक्वालिटी दिखाई नहीं देता। हमारे घर में सबको एक समान ही दर्जा है। But outside our home, I have seen that women have been subjugated in many ways. लेकिन हमारे घर के बाहर मैं देखती हूँ कि औरतों को जो है वो बहुत ही subjugated, मतलब controlled and dominated over. तो उसको dominate करना है ने दबाना।
औरतों को कुछ भी करने की आजादी न देना। ए तू घर के बाहर मत जा, ए तू कितने बजे वापस आने वाली है, ए तू ये मत कर, वो मत कर, वो मत कर, तूने मुझसे परमिशन लिया, किसको पूछ कर ये तूने किया, ऐसे सब जो बातें होती है वो उसे कहते हैं डोमिनेट करना। तो इस तरह से औरतों को डोमिनेट किया जाता है। इट इज अगेंस्ट द विल ऑफ गॉड। और भगवान ने ऐसे कभी नहीं कहा था कि भाई औरतों को आप लोग इस तरह से ट्रीटमेंट करो और आदमी जो है वो राजा के जैसा रहेगा और औरत जो है वो बेचारी नौकरानी बनकर रहेगी। तो ऐसे भगवान ने नहीं बनाया हुआ था। गॉड हैज सेंट मैन एंड वुमेन टू हर टू अवर अर्थ टू शेयर द जॉयज एंड सोरो ऑफ लाइफ इक्वली। तो भगवान ने औरत और मर्द दोनों को पृथ्वी के ऊपर एक जैसा ही बनाकर भेजा हुआ था ताकि वो लोग हर खुशी और हर गम को एक साथ झेल सके। टू शेयर हिज ब्लेसिंग्स एंड टू एंजॉय द बाउंटी ऑफ नेचर इक्वली। और भगवान की जो ब्लेसिंग्स है दोनों के लिए एक जैसा ही है। और उन लोगों का जो ब्लॉन्टिंग है, बाउंटी है, उसको भी कुदरत ने एक जैसा ही। जो अभी देखो खुशी किसे नहीं चाहिए होती है ना, औरतों को भी तो खुशी चाहिए, लड़कों को भी खुशी चाहिए, लड़कियों को भी खुशी चाहिए, औरतों को भी खुशी चाहिए, मर्दों को भी खुशी चाहिए, बूढ़ों को भी खुशी चाहिए, जो ले और ग्रैंड मदर को भी खुशी चाहिए, ग्रैंड फादर को भी खुशी चाहिए। तो जैसे जेंट्स लोगों को खुशी चाहिए, मैन को खुशी चाहिए, पीस चाहिए, आराम चाहिए, सब रेडीमेड चाहिए, वैसे औरतों के भी जो लगता है ना कि हम लोगों को भी ऐसे मिलना चाहिए करके। तो भगवान ने दोनों को भी इक्वली सब कुछ दिया हुआ था। दिस इज व्हाट योर टॉपिक मीन्स। तो यही है तुम्हारा टॉपिक का मतलब। अशंग भी नोज वेल दैट मैन एंड वुमेन आर इक्वल। अशंग भी जो थी उसे पता था कि औरत और मर्द जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। वुमेन हु आर हाफ ऑफ द ह्यूमन रेस आर एज इम्पोर्टेंट एज मैन। लेकिन औरतें जो होती है वो आदमी लोगों से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। शी राइट्स एंड टॉक्स अबाउट सच टॉपिक्स हर डॉटर। और उन्होंने इस टॉपिक के ऊपर कुछ लिखा हुआ भी था। हर डॉटर दो अ चाइल्ड। अभी तो उनकी बेटी जो है वो एक छोटी बच्ची है। ऑल्सो अंडरस्टैंड्स वेल दैट हर मदर इज नॉट अ पर्सन ऑफ लेसर क्वालिटी देन हर फादर। अभी उनकी जो बेटी है वो अभी जानती है कि जो मेरी माँ है वो माँ मेरे पिताजी से किसी भी एंगल से कम नहीं है। वो मेरे पिता के बराबर हर काम करती है और मेरे पिताजी भी मेरे माँ के साथ हर काम करते हैं। शी सेज आवर होम इज फुल ऑफ लव विथ यू मदर। और ये जो हमारा घर है आपके साथ पूरा प्यार से भरा हुआ है मदर, ऐसा वो अपनी माँ को कह रही है। द मदर बीम्स विथ जॉय एट द वर्ड्स ऑफ हर डॉटर। और बेटी के शब्द सुनते ही माँ भी खुश हो गई। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मदर इज द फाउंटेन ऑफ लव इन अ फैमिली। एक्चुअली में देखा जाए ये एक सच्चाई है कि माँ जो होती है ना वो खुशियों का झरना होती है। एक घर में जो माँ होती है वो खुशियों का झरना होती है। दिस बॉन्ड ऑफ लव इज बियॉन्ड कंपेरिजन विथ एनीथिंग एल्स इन द वर्ल्ड। जो एक माँ का जो प्यार होता है ना उस प्यार का कंपेरिजन जो होता है वो दुनिया में हम लोग किसी भी चीज से नहीं कर सकते हैं। जैसे माँ होती है, माँ का जो प्यार होता है ना बच्चों वो बहुत ही निस्वार्थ होता है। वो बिल्कुल भी सेल्फिश नहीं होती। वो अपनी भूख प्यास आराम विराम सब छोड़ छाड़ के, अभी तुम लोगों ने देखा होगा ना जब तुम लोग बीमार होते हैं
तो मम्मी कितना ये करती है, दिन रात जागती है, पट्टी मारती है, डॉक्टर के पास लेकर भागती है। पापा तो जाते हैं काम करने के लिए, तो मम्मी ही घर पे होती है, तो वो जाती है। बहुत सारे मम्मीज है जो कॉम्प्रोमाइज़ भी करते हैं अपने बच्चों के लिए। अगर वो घर के बाहर चली गई तो उनके बच्चों को फिर कौन देखेगा। इसके लिए हाईली क्वालिफाइड होने के बावजूद भी औरतें जो है वो घर के बाहर नहीं जाती, ठीक है। तो इस तरह से वो लोग उसके अपनी कैरियर से, अपने लाइफ से भी वो लोग सेक्रीफाइस करते हैं। अभी ये मैं आप लोगों को एडिशनल क्यों बता रही हूँ, अगर तुम लोगों को ऐसे राइटिंग वगैरह आएगा ना बच्चों, तो ये सब बातें हैं जो मैंने अभी बताई है ना तुम लोगों को, तो ये बातें याद रखना तुम लोग, ठीक है। तो इट इज बिकॉज ऑफ दिस दैट मदरहुड हैज बीन ग्लोरीफाइड एंड वुमेन एक्सेप्ट द चैलेंजेस इन लाइफ टू बिकम अ मदर। अभी ये जो माँ बनना होता है ना, माँ बनना एक वरदान होता है औरतों के लिए, एक प्रेज होता है, एक खुशी होती है। और इसके लिए वो किसी भी चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार होती है। एक माँ हमेशा किसी भी चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार होती है। शोविंग डीप अफेक्शन अशंग भी कंटिन्यूज पायोनियर वुमेन टेस्टिफाई टू द इक्वालिटी ऑफ वुमेन विथ मैन। अभी पायोनियर का मतलब क्या है? अ पर्सन हु इज अमोंग द फर्स्ट टू टेक अप अ कॉज स्पेशली इन अ न्यू रीजन। तो कोई ना कोई तो होगा ना जो शुरुआत करेगा, कहीं ना कहीं से तो इस बात की शुरुआत होती है ना। तो शोविंग डीप अफेक्शन अशंग बी कंटिन्यूज पायोनियर वुमेन टेस्टिफाई टू द इक्वालिटी ऑफ मैन वुमेन विद मैन। एक्चुअली लाइफ इज नॉट पॉसिबल विदाउट बोथ वुमेन एंड मैन। ऐसे अगर देखा जाए तो औरत और मर्द, ये दोनों को एक दूसरे के बिना जीना पॉसिबल ही नहीं है। कुछ ऐसे रेयर हो सकते हैं केस, लेकिन एक्चुअली में देखा जाए तो औरत और मर्द एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट ही होते हैं। लंतोई हैज बीन फैसिनेटेड बाय द स्टोरीज ऑफ पायोनियर वुमेन। तो जब उन्हें जो पहले के ज़माने की जो औरतें थी, उनकी कहानियाँ जो थी, उनकी जो ग्रैंड मदर थी, उन्होंने उन्हें सुनाई हुई थी। तुम लोगों ने भी तो पढ़ा हुआ होगा ना हिस्ट्री में वगैरह, जैसे झांसी की रानी, जीजाबाई वगैरह, ये कौन थे? ये सब उस ज़माने की जो बहादुर औरतें थी वो थी, है ना। तो उसे याद आया कि उसकी हर ग्रैंड मदर हैड नरेटेड मेनी स्टोरीज। उसकी जो ग्रैंड मदर थी, उन्होंने उसे बहुत सारी औरतों के बहादुरी की कहानियाँ जो थी वो सुनाई थी। ऑफ ब्रेव क्वींस लाइक लाइक लिंटोइन गंबी एंड कुरंगना, यानी वू वेर एज ब्रेव एज किंग्स, जो राजा से भी बहुत ज़्यादा बहादुर थी। देर वेर ऑल्सो मेनी ब्रेव वुमेन अमॉन्ग द कॉमन पीपल। और जो कॉमन पीपल है ना, हम लोगों के जैसे, उसमें भी बहुत सारी जो औरतें होती है वो बहुत ही होशियार होती है, बहादुर होती है। दिस वुमेन एज हर ग्रैंड मदर नरेटेड। अभी इन औरतों के बारे में उसके ग्रैंड मदर ने उसे कहा हुआ था, वेर मेकर्स ऑफ होम फैमिली सोसाइटी एंड द नेशन। और ये जो औरतें होती है वो किसके ये मेकर्स होती है, तो एक अच्छा घर बनाने में, एक अच्छी फैमिली बनाने में, सोसाइटी में एक अच्छा दर्जा बनाने में, या फिर एक अच्छी सोसाइटी बनाने के लिए, और एक अच्छा देश की नागरिक करके भी वो वुमेन का जो रोल होता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। दे वेर सिविलाइजिंग इन्फ्लुएंसेस, एट द सेम टाइम दे वेर ऑल्सो
adventurers who claimed their shares in free land, ploughed and raised crops with their own hands and drove cattle. अभी there were civilizing influences. अभी कुछ educated जो औरतें हैं, कुछ educating जो औरतें हैं, वो तो है ही. plus उसी समय में they were also adventurers. तो उन लोगों ने ऐसे भी कुछ काम किए हैं, जैसे के लैंड में प्लफिंग करना, जैसे वो खेतों में हल चलाते हैं ना, वो रेज्ड क्रॉप्स विद देयर ओन हैंड्स, और वो जो अनाज जो उगा रहता है ना उसको काटना. ओके, एंड प्लफिंग एंड रेज्ड क्रॉप्स विद देयर ओन हैंड एंड ड्रो कैटल. और वो अनाज जो है ना जानवरों को हाँकना. Modern women have become mountaineers, naturalists, astronauts, scientists, soldiers, and political leaders. This proves that there is nothing a woman cannot do. इसका मतलब क्या है? ऐसा कोई भी काम नहीं है जो औरतें नहीं कर सकती है. And also that women and men were created as equals. और इस तरह से औरत और मर्द जो होते हैं उसे भगवान ने एक जैसा ही बनाया है, लेकिन एक्चुअली देखा जाए तो जेंट्स के मेन के कंपैरिजन में वुमेन जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा काम करती है. सुबह से काम करती है, घर में का काम करती है, बाहर का काम करती है, फिर घर पे इवनिंग में आने के बाद भी घर का भी काम करती है, बच्चों को देखना, बच्चों को संभालना. वैसे देखा जाए ना तो मेन के कंपैरिजन में उनसे दुगना तिगना काम जो होता है ना वो औरतें ही करते रहती है. फिर भी हमारी सोसाइटी ऐसी है कि औरतों को वैल्यू नहीं करते हैं ये लोग. तो होगा, धीरे धीरे ये भी सब चेंज हो जाएगा. जहाँ इतने सारे चेंजेस हो गए वहाँ ये भी चेंज हो जाएगा. देन शी आस्क हर मदर फर्दर, मदर You have thrown light on the equality of men and women and also have emphasized that the world is still an unequal world. तो अभी तुमने कहा कि जो men और women होते हैं इन लोगों में equality होती है, और तुमने ये emphasize भी किया है कि इस दुनिया में आज भी an unequal world है, जहाँ पर औरतों में और मर्दों में फर्क किया जाता है. देन व्हाट आई वुड लाइक टू नो इज इफ देर आर मोरल, सोशल एंड लीगल प्रोविजंस टू अनेबल वुमेन टू एक्सप्रेस देयर फिजिकल एंड मेंटल पोटेंशियल एंड टू सेट देमसेल्व्स फ्री फ्रॉम सप्रेशंस. अभी वो देखो, इतनी सी छोटी सी बच्ची है तो उसे भी समझ में आ रहा है कि ये जो उसकी माँ उसे बता रही है अनइक्वल ट्रीटमेंट के बारे में, सोसाइटी में किस तरह से औरतों के साथ अनइक्वल ट्रीटमेंट किया जाता है. तो वो एक अपना थॉट बता रही है माँ को कि ऐसा कुछ नहीं है कि अगर हम लोग कुछ मोरल या सोशल या ऐसे कोई लीगल प्रोविज़न बनाएं जिससे औरतों को फिजिकल या कोई मेंटल ऐसे दबाव बोलते हैं ना वो, सप्रेशन या फिर एक टेंशन न आए, इसके लिए ऐसा कुछ करना चाहिए. अमेज्ड एट द क्यूरियोसिटी ऑफ हर डॉटर अशंग बी एड्स, अभी उनकी जो बेटी उनसे बता रही थी उसे देखकर, उसको सुनकर जो उसकी माँ थी वो भी उसने और उसमें ऐड किया कि There are many, और बहुत ऐसे लोग हैं under the agency of the United Nations, there is a declaration of a new world of equality. It has the following dimensions. अभी उन्होंने उसे कहा कि इस तरह की agencies है जो equality के लिए काम कर रही है. तो अभी ये लोग जो है कौन से एस्पेक्ट्स के लिए काम करते हैं, किस किस के लिए ये लोग
काम करते हैं। एक्चुअली है ऐसी एजेंसीज, है जगह जगह पर है, लेकिन एक तो ऐसे होता है ना कि औरतों को इन एजेंसीज के बारे में पता नहीं होता या फिर पता चलने नहीं दिया जाता है, जिस कारण औरतें जो रहती हैं ना बेचारी, वो घर की चार दीवारी में बंद रहती है और जुल्म और अत्याचार सहते रहती है और काम भी करते रहती है। तो इस तरह से ये जो है वो बिल्कुल भी सही नहीं है। इसके लिए कुछ एजेंसीज है जो इस इक्वालिटी के लिए काम कर रही है। तो वो क्या करती है? ए, इक्वल एक्सेस टू बेसिक सोशल सर्विसेज इंक्लूडिंग हेल्थ एंड एजुकेशन। अभी इक्वली मैन एंड वुमेन दोनों को भी हेल्थ और एजुकेशन के बेसिक के ऊपर सोशल सर्विस में ये भी इंक्लूड किया गया है। बी, इक्वल पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग। और पॉलिटिकल यानी जो ये पॉलिटिक्स है ना अपना, उसमें और इकोनॉमिक अर्थशास्त्र, इसमें भी औरतों को समान दर्जा दिया गया है। उसमें जो भी डिसीजन मेकिंग होता है उसमें औरतों को भी लिया जाता है। सी, इक्वल रिवार्ड फॉर इक्वल वर्क। सेम काम के लिए इक्वल रिवार्ड दिया जाएगा। डी, एलिमिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एंड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। अगर किसी औरत के ऊपर कुछ भी ज्यादती हो रही होगी तो उसके खिलाफ वो लोग उसे बचाएंगे, उसके बाजू में वो लोग लड़ेंगे, उसके बाजू से उसे न्याय दिलाएंगे। देन द मदर कंक्लूडेड, माई डियर डॉटर, वी कैन अफर्म अलॉन्ग विद द यूनाइटेड नेशन दैट मैन एंड वुमेन आर इक्वल्स। तो उन्होंने उसे कहा, मेरी बेटी, हमारे जो यूनाइटेड किंगडम है ना, वहाँ पर ये अफर्म हो गया है कि औरतें और जो मर्द होते हैं वो इक्वल होते हैं। लंथोई अंडरस्टैंड व्हाट हर मदर मींस एंड व्हाट द टॉपिक ऑफ द सिंपोजियम मींस। तो अभी उसको समझ में आया कि जो ये टॉपिक उन्हें दिया गया है आर्ग्यूमेंट के लिए, डिस्कशंस के लिए, उसका मतलब उसे समझ में आ गया। दस, कॉन्फिडेंट ऑफ सक्सेस द नेक्स्ट डे आफ्टर थिंकिंग हर मदर, द गर्ल ऑफ 12 हैप्पीली रशेस आउट ऑफ द रूम इन द ब्राइट मॉर्निंग सन। अभी इतना सब जानकारी मिलने के बाद वो अभी पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हो गई थी, उसे सब कुछ यानी पता चल गया था कि किस तरह से बात करना है, क्या है। तो वो जो उसकी जो जो अंधेरा था ना, जो उसे पता नहीं था, वो सारी जानकारी उसे उसके माँ से मिल गई थी और वो दूसरे दिन बहुत ही खुशी से बाहर निकली। द स्मॉल गर्ल इज ऑलवेज फैसिनेटेड बाय द स्मॉल ट्रेल विच विंड्स अप द डिस्टेंट पर्पल माउंटेन। अभी ये जो छोटी सी बच्ची है तो ये वहाँ का जो माहौल था उससे वो मोहित होकर उस लंबे रास्ते से चलते हुए जा रही थी, और कौन सा पर्पल माउंटेन के रास्ते से वो चलते हुए जा रही थी। तो उसके जो चलने में जो एक कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहा था, क्योंकि अभी वो जा रही थी कॉम्पिटिशन के लिए, तो जिस हिसाब से उसने अपने माता पिता से बातें की हुई थी, तो उसको क्या क्या जो पॉइंट्स थे वो सारे उसके समझ में आ गए थे। तो इस तरह से वो कॉन्फिडेंटली जा रही थी खुशी खुशी। तो इस तरह से है ये कहानी, और बहुत ही अच्छी और बहुत ही प्यारी थी ये कहानी। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स मैं आप लोगों के लिए करती हूँ जल्दी से अपलोड। तब तक के लिए वेट एंड वॉच, और लाइक करना मत भूलिएगा आप मेरे चैनल को प्लीज़, और फिर फॉरवर्ड कीजिएगा अपने दोस्तों को और रिलेटिव्स को, ताकि उन बच्चों का भी फायदा हो। ठीक है, अगर आप लोग के एग्जाम्स चल रहे हैं तो आप लोगों को ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।